नमस्कार दोस्तों, आज हम अंडमान सागर पे ये क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अंडमान सागर, जिसे हम बर्मा सागर के नाम से भी जानते हैं, वो साउथ चाइना सी से स्ट्रेट ऑफ मलक्का द्वारा अलग होता है। इसका दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इरावदी रिवर, जिसे हम रोड टू मैंडले नाम से भी जानते हैं, ये अंडमान सागर में आके गिरती है। इसका तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बैरन आइलैंड, जो कि इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, वो बर्मा प्लेट के सबडक्शन से बना था। तो आप इसे हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अंडमान सागर के बारे में देख लें। देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने बे ऑफ बंगाल की बाउंड्रीज देखी थी। हमने देखा था कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप जो है, ये बे ऑफ बंगाल और अंडमान सागर के बीच एक सीमा रेखा का काम करता है। इसके बाद ये कोस्ट लाइन से होते हुए बांग्लादेश, इंडिया, फिर श्रीलंका और श्रीलंका के सदर्न मोस्ट पॉइंट से होते हुए इंडोनेशिया तक ये बे ऑफ बंगाल बनता है। फिर यहाँ इंडोनेशिया के सुमात्रा से यहाँ मलेशिया की ओर एक लाइन खींचते हैं, और फिर यहाँ थाईलैंड और म्यांमार के तटीय रेखा से होते हुए यहाँ केप नरगिस पड़ता है। तो ये एरिया जो बनता है, ये अंडमान सी कहलाता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। सबसे पहले तो इंडिया आता है, जहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। उसके बाद इंडोनेशिया आता है, नीचे सुमात्रा प्रोविंस है। मलेशिया आता है, थाईलैंड आता है नीचे, और बर्मा आता है। तो इसकी बेसिन कंट्रीज के नाम आप याद रखिएगा, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। इसका सरफेस एरिया करीब 6 लाख वर्ग किलोमीटर का है, मतलब ये 6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है अंडमान सी। तो आप अंडमान सी के बारे में ये बातें याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें स्ट्रेट ऑफ मलक्का को, तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। और इसकी बेसिन कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया आते हैं। देखिए, ये बेसिन कंट्री के नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि तो ये आपको किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी वाटर बॉडी को देखने के लिए उसके बेसिन कंट्रीज को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें, तो ये दुनिया के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिपिंग लेन्स में से एक है। लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। जैसे कि बात करें तो यहाँ पे पायरेसी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि सोमालिया के आसपास के इलाके में भी पायरेसी होती है, वैसे ही यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पायरेसी होती है। और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक जगह पे इतना पतला हो जाता है कि दो तटों के बीच की दूरी करीब 3 किलोमीटर ही रह जाती है। तो ये एक चोक पॉइंट है, मतलब अगर कभी कोई टेंशन हुई या फिर कोई वार की कंडीशन आई, तो कोई भी कंट्री यहाँ पे आके इस पे कब्जा करके यहाँ पूरा जो ट्रैफिक जाता है, यहाँ से समुद्री ट्रैफिक जाता है, उसको पूरा रोक सकती है, जिससे अमेरिका से आने वाले और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले शिप्स पे पूरी तरह रोक लग सकती है। और बात करें तो इंडोनेशिया में आग की वजह से यहाँ कुछ महीनों बहुत ही ज़्यादा धुंध रहती है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, जिससे आजकल के बहुत बड़े जो शिप्स होते हैं वो यहाँ से पास नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए इस्थमस ऑफ क्राक को काट के एक कैनाल बनाने की भी बात हो रही है, ताकि डिस्टेंस कम की जा सके। तो यहाँ पे अगर आप पूरा मैप देखेंगे तो यहाँ पे इस्थमस ऑफ क्राक पड़ता है, तो इधर से कैनाल बनाने की बात हो रही है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पहले अगर कॉलोनियल पीरियड में देखा जाए तो सुंडा स्ट्रेट का यूज़ करते थे, जहाँ पे अभी ज्वालामुखी फटने से सुनामी आई थी। तो चलिए इरावदी रिवर के बारे में कुछ बातें जान लें। इरावदी रिवर जो है, ये म्यांमार की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर में से एक है। इनफैक्ट ये म्यांमार की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर है। तो आप इसकी लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंडमान सी में आके गिरती है, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो सही है। इरावदी रिवर का नाम पाली वर्ड ऐरावती पे पड़ा है। ऐरावत, जैसा कि आपको पता होगा, एक मिथिकल क्रीचर है, जो कि इंद्र का वाहन है। इस इरावदी रिवर को रुडयार्ड किपलिंग की पोयम मांडले के नाम पे रोड टू मैंडली भी बोला जाता है। चलिए अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहली बात तो आपने जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ी होगी, तो जब कन्वर्जेंट मूवमेंट देखा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो प्लेट्स पास आती हैं, तो जो ज़्यादा भारी प्लेट होती है, ज़्यादा डेंस प्लेट होती है, वो नीचे चली जाती है। और जब ये प्लेट नीचे जा रही होती है, तो
तो यहाँ पे गर्मी की वजह से इसका लावा पिघल के ऊपर आता है और यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड फॉर्म होते हैं या वॉल्केनिक आर्क फॉर्म होती है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा कि जो प्लेट नीचे जा रही होती है उस पे कोई भी वॉल्केनिक आर्क फॉर्म नहीं होते हैं, मतलब जिस प्लेट का सबडक्शन हो रहा होता है उस पे कोई वॉल्केनिक आर्क फॉर्म नहीं होते हैं। तो अगर हम लोकेशन देखें बैरन आइलैंड की, तो यहाँ पे कहीं पड़ता है अंडमान सी में। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाली है कि इंडियन प्लेट जो है उसका सबडक्शन हो रहा है बर्मा प्लेट के अंदर, तो फिर जो भी वॉल्केनिक आइलैंड बनेंगे वो बर्मा प्लेट पे बनेंगे, जबकि स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि सबडक्शन बर्मा प्लेट का हो रहा है, तो ये गलत है क्योंकि सबडक्शन जो हो रहा है वो इंडिया प्लेट का हो रहा है, तभी बर्मा प्लेट पे बैरन आइलैंड बना हुआ है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये आपने देखा सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो दुनिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हमारी मॉक प्लेलिस्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साइंस चैनल क्यूरियस मॉक को विजिट करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।